सत श्री अकाल जी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हेल्दी होंगे। वीएफ ग्लोबल्स की तरफ से अपडेट आया है, कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन इंडिया क्लोज हो गए हैं 1 मई 2021 से। इसमें ड्यू टू कोरोना वायरस करके क्रॉस पूरी ऑल ओवर इंडिया में वीएफ जो कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है वो क्लोज रहेंगे फर्दर नोटिस से ड्यू टू कोरोना वायरस करके। और इसमें जो बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट हैं वो भी इफ़ेक्टेड होंगी और अनदर सर्विस भी। तो इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कनाडा वीज़ा कस्टमर हैं कि जिन्होंने 3 मई की बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट सी उनकी एट ए प्रेजेंट अभी कैंसिल है। तो उनको रिक्वेस्ट है कस्टमर्स को कि वो जब ये दोबारा से स्टार्ट होंगी तो रिफ्रेशमेंट अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेंगी आपको। तो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का जब सर्विस रिज्यूम होती है। और तीसरी अपडेट ये है कि इम्पॉर्टेंट अपडेट है फॉर कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर और पासपोर्ट रिटर्न सर्विस पर कि अगर आपने अभी तक अपना पासपोर्ट सबमिट नहीं कराया है और आपने 2-वे कोरियर सर्विस की फ़ीस दे दी है तो आप होल्ड पर हैं, आपकी सर्विस अभी जब तक ये सर्विस रिज्यूम नहीं रहती अभी ये होल्ड पर रहेंगी। और अगर आपने पासपोर्ट सबमिट करा दिया है तो ये प्रोसेस में चल रहा है आपको रिटर्न करने में। तो अगर फर्दर आपको कुछ अपडेट चाहिए तो वीएफ ग्लोबल्स की वेबसाइट और ये लिंक दिया हुआ है, इस पर जाके आप डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं अपडेट के लिए। तो ये डिस्क्रिप्शन में लास्ट में वीडियो के एंड में मैं लिंक ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि आप जाके फर्दर अपडेट वीएस ग्लोबल्स की देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए।